हेलो गाइस वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी गाइस आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर नाइन करेंगे जो कि क्लास सिक्स की है और सब्जेक्ट है साइंस ये वर्कशीट ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी की है तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड डेफिशिय डिजीज अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समथिंग द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रेंट एक पर्सन है जो इन फूड ले रहा है अपने जो उसको लग रहा है जिससे उसका अच्छे से पेट भर रहा है वो फूड अपना खाने में ले रहा है बट समथिंग द फूड में नोट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रेंट लेकिन उस फूड में कुछ न्यूट्रेंट क्या है उसकी कमी हो रही है इफ दिस कंटिन्यूशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम द पर्सन में सफर फ्रॉम द डेफिशेंसी डिजीज अगर उस जो फूड में उस न्यूट्रिएंट की कमी लंबे समय तक हो जाती है ओवर ए लॉन्ग पीरियड टाइम तो क्या होगा उसे हम क्या कहेंगे पर्सन में सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज एंड डिसऑर्डर इन आर बॉडी अगर किसी न्यूट्रेंट की लंबे समय तक डिफिशियंसी हो जाती है कमी हो जाती है शरीर में तो वो क्या करता है किसी न्यूट्रेंट की लंबे टाइम तक क्या हो जाती है डिफिशियंसी हो जाती है तो वो एक डिजीज बन जाती है या क्या हो जाता है कुछ डिसऑर्डर हो जाता है बॉडी में Disease that occur due to lack of nutrition. न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज तो देखो क्या कहा गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका आज का यही हो जाएगा डिजीज दैट अक ड्यू टू द लेक ऑफ द न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज तो व्हाट इज द डिफिशियंसी डिजीज आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा बेटा ये क्वेश्चन तो देखिए बेटा अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर किसी न्यूट्रियट की लंबे समय तक हमारी बॉडी में डिफिशियंसी रहती है कमी रहती है तो उस डिजीज उस तो उससे जो डिजीज होती है उससे हम क्या कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हज इन हिज हर डाइट फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम ही शी इज़ लाइकली टू हैव स्ट्रंट ग्रोथ स्वेलिंग ऑफ फेस डिसकलरनेश ऑफ हेयर स्किन डिजीज एंड डायरिया क्या कह रहा है अगर किसी पर्सन के फूड में लंबे टाइम तक प्रोटीन की कमी रहती है तो क्या होता है ऐसा पर्सन स्ट्रं उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है फेस पर स्वेलिंग रहती है उसके हेयर का कलर चेंज हो जाता है वाइट होने शुरू हो जाते हैं स्किन डिजीज होने लगती है डायरिया हो सकता है उसको देखो कुछ एग्जांपल्स दिए गए इफ अ डाइट इन डेफिशिएंसी इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की ही कमी हो जाती है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय के लिए द ग्रोथ में बी स्टॉप कंप्लीटली तो उसकी ग्रोथ क्या होती है पूरी तरह से स्टॉप हो सकती है सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक एंड दैट शी एंड ही मे नॉट बी एबल टू मूव और वो इतना कमजोर हो जाएगा इतना पतला दुबला होगा इतना कमजोर हो जाएगा कि मूव करने की भी उसमें हिम्मत नहीं रहेगी तो देखिए क्या लिखा गया है उसको एक बैलेंस डाइट लेकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं रोक सकते हैं तो इसीलिए बच्चे आप लोगों को भी बैलेंस डाइट होनी चाहिए हर तरह का खाना आपको खाना चाहिए जिससे कि हर तरह के न्यूट्रेंट आपकी बॉडी में पहुंच सके आगे देखिए क्या लिखा है डेफिशिय विटामिन एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन डिजीज एंड सम ऑफ दीज आर मैं तो डिज की वजह से फूड न्यूट्रिएंट पूरी तरह से ना मिलने की वजह से कुछ डिजीज हो जाती हैं या डिसऑर्डर हो जाते हैं जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया कुछ के बारे में यहाँ पर बताया गया है तो आइए देखते हैं फर्स्ट है विटामिन ए विटामिन ए की वजह से देखो क्या होता है लॉस ऑफ विजन मतलब इसकी वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है बेटा लॉस ऑफ विजन पुअर विजन हो सकता है लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस हो सकता है समथिंग सम टाइम कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन तो जितना भी आइस से रिलेटेड क्योंकि देखो विटामिन आपने कभी सुना होगा कि अगर आइस किसी की आई आईसाइड वीक हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि गाजर खाओ गाजर का जूस पियो क्यों क्योंकि जो कैरेट है उसके अंदर क्या होता है विटामिन ए बहुत अच्छा होता है बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए विटामिन ए अच्छा, इसीलिए उसको बोला जाता है कि कैरेट का जूस पियो या कैरेट खाओ क्यों क्योंकि विटामिन ए से हमारी आई आईसाइड अच्छी होती है क्योंकि विटामिन ए क्या है उसमें जो क्या करता है जो आइस के लिए हमारी आइस को अच्छे से मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करता है तो देखिए क्या कहा गया है विटामिन ए से कौन सी डिजीज़ होती है लॉस ऑफ विजन होती है और क्या क्या पुअर विजन हो सकता है लॉस ऑफ विजन इन नाइट डार्कनेस में ना दिखाई देना या फिर कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन हो सकता है अब देखते हैं विटामिन बी वन बैरीबेरी विटामिन बी से कौन सा डिजीज हो सकती है बेटा बैरीबेरी वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वीक टू वर्क क्योंकि इसमें क्या होती है जो मसल्स होते हैं बेटा बहुत वीक हो जाती है और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क और काम करने में ना हमेशा थकावट से टायर्ड फील करता है ऐसा जिसको भी वेरी वेरी रोग होता है जिसमें विटामिन बी वन की कमी होती है वो हमेशा क्या करता है टायर्ड रहता है थका थका सा रहता है उसमें एनर्जी नहीं होती काम करने की अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी विटामिन सी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है बेटा स्कर्वी ब्लीडिंग गम्स वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील देखो क्या कह रहा है स्कर्वी में क्या होता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा कौन सी डिजीज हो जाती है स्कर्वी याद करने सारे डिजीज आपको और अच्छा होगा कि आप ये टेबल भी अपनी नोटबुक में बना लें तो विटामिन सी की डिफिशंसी से कौन सा रोग होता है बेटा स्कर्वी इससे क्या होता है देखो मसूड़ों में से ब्लडिंग होना या इसके अलावा वाउंडेड टेक लोंगर टाइम टू हिल अगर कोई चोट लग जाती है तो उसको मतलब सही होने में घाव भरने में मतलब वाउंडेड होने में उसको बहुत टाइम लग जाता है तो ये किसकी वजह से होता है विटामिन सी की कमी से अब नेक्स्ट है विटामिन डी विटामिन डी से क्या होता है रिक्टिस बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड इससे में क्या होता है जो बोन्स होती हैं हमारी जो बोन है जिसकी स्ट्रेंथ से हम खड़े हैं आज हमारा बॉडी जो हार्ड है वो क्या हो जाती है बिकम सॉफ्ट हो जाती है और बैंड होने लग जाती है इसकी कमी से विटामिन डी की कमी से रिक्टिस अब देखते हैं नंबर्स कैल्शियम सॉरी अब देखते हैं कैल्शियम बोन एंड टूथ डी के वीक बोन हो जाती है टूथ भी क्या हो जाते हैं गिरने लग जाते हैं जो टीथ हैं वो क्या होने लग जाते हैं नीचे गिरने लग जाते हैं आपके तो बोन एंड टूथ डी के आयोडीन, गोयटर एक मिनट आयोडीन, आयोडीन अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो क्या हो जाता है गोयटर ग्लैंड इन द नेक अपियर स्वलन तो जो देखो यहां पे दिखाई गई है पिक्चर कि जो ग्लैंड में जो यहाँ पे हमारे नेक नेक में जो ग्लैंड होते हैं थायराइड ग्लैंड होते हैं वो क्या जाते हैं सोलन हो जाते हैं फूल जाती है मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन अगर ये चिल्ड्रन एक बच्चे में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है नवजात बच्चे में अगर आयोडीन की कमी होती है तो वो मेंटली डिसेबिलिटी हो जाती है उसके अंदर उसका दिमाग जो है उसका माइंड जो है प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं कर पाता है ठीक है उसके बाद है आयरन आयरन की वजह से एनीमिया वीकनेस एकदम वीकनेस रहती है थका थका सा रहता है हिम्मत नहीं होती किसी भी काम को करने की तो बेटा फर्स्ट तो आप जो मैंने आपको क्वेश्चन कहा था डेफिशेंशियल डिजीज वो फर्स्ट वो क्वेश्चन कर लीजिएगा सेकंड ये चार्ट बना लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत क्वेश्चन जाते हैं इस चार्ट से अब देखते हैं आज के क्या क्वेश्चन दिए गए हैं विटामिन ए रिक्वायर फॉर मेन्टेनिंग आईसाइट नेम द फॉलोइंग विच विटामिन अच्छा, ए विटामिन फॉर अच्छा ये एक सेकेंड बेचा तो बच्चे यहाँ पे ये दिया गया है ये बाय मिस्टेक आ गया है ठीक है हमें यहाँ पे लिखना है विटामिन रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट कौन सा विटामिन है जो आईसाइट के लिए अच्छा होता है तो हम लिख देंगे विटामिन ए ठीक है नेक्स्ट देखिए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अर बोन हेल्दी हमारी बोन को हेल्दी रखने के लिए कौन सा विटामिन कौन सा मिनरल चाहिए होता है कैल्शियम तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैल्शियम ठीक है ये देखो यहाँ से बी का आंसर लिख दीजिएगा ठीक है विटामिन रिक्वायर फॉर हीलिंग द वाउंड वाउंड हीलिंग करने के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है हमें विटामिन सी की ठीक है तो अब देखिए फर्स्ट में बेटा विटामिन ए आएगा सेकंड में कैल्शियम आ जाएगा एंड थर्ड में विटामिन सी आ जाएगा ये यह यहाँ पे जो ए लिख गया खा है ये बाय मिस्टेक हो गया है ठीक है समझ में आया बेटा ये ए बी सी लिखना था उन्होंने बाय मिस्टेक लिख दिया तो ये तीनों क्वेश्चन बेटा समझ में आ गए विटामिन रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग गुड आई आईसाइड ए मिनरल दैट रिक्वायर फॉर कीपिंग आर बोन हेल्दी कैल्शियम एंड विटामिन रिक्वायर फॉर हीलिंग वाउंड विटामिन सी अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स डैश इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा रिक तो ये हो जाएगा हमारा एक आंसर ठीक है इसे यहाँ से कर देते हो ठीक है विटामिन ए ये हमारा हो जाएगा एक आंसर नेक्स्ट देखिए डेफिशिएंसी ऑफ डैश कोजिज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी किसकी विटामिन की वजह से होगा बेटा विटामिन बी वन ठीक है पूरा लिख लीजिएगा मैं आपको शोट में बता देती हूँ विटामिन बी वन यहाँ पर विटामिन बी लिख दीजिएगा ठीक है यहाँ लिख देती हूँ देखो एक सेकेंड विटामिन बी वन ठीक है नेक्स्ट देखिए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कोज अ डिजीज नॉन विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है बेटा स्कर्वी तो ये हो जाएगा आपका सी का आंसर ठीक है ये हो जाएगा आपका सी का आंसर स्कर्वी ठीक है अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए बेटा मैंने कहा था ना आई से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है वो किसकी कमी से होती है विटामिन ए की वजह से ठीक है तो आइए इसको लिख देते हैं विटामिन ए यहाँ पे मैं ए भी लिख देती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आएगा ठीक है तो आज के बेटा हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू